Indian hockey team returned home after winning the bronze medal in the Asian Games 2018 and received a warm welcome at Delhi's IGI airport with drums and nagadas, but the despair on the face of the team could be seen clearly. Both team players and coaches were not happy with the bronze win. In the interaction with NNIS, team coach Harendra Singh said that he had hoped that he will return after winning the gold, but due to some of their mistakes, they lost in the semi-finals. He further said that now they will work on their mistakes, due to which they missed the gold medal. Medal leke aaye, iski khushi hai, lekin gold medal ki apeksha thi, uski dukh hai. प्लांटी शूटआउट के तो जीते, गेम में ही हम लोग को जीत लेना चाहिए था, लेकिन मेरे ख्याल से लड़कों ने बहुत उस दिन कहीं एक बैड डे होता है, वो बैड ड्रीम आया और जिससे हम लोग मेडल के, मेरे ख्याल से थोड़ा सा अनफोर्स एरर किया हम लोगों ने, जिसका मलेशिया ने फ़ायदा उठाया और दो मिनट में रिवर्स बैक किया उस गेम को. अदरवाइज हम लोग अगर वो अनफोर्स एरर नहीं करते तो हो सकता कि हम एक अच्छे मार्जिन से जीतते. मेरे ख्याल से वो जो अनफोर्स एरर है उस पर काम करने के, बेसिक स्किल पे, और एक जो हम एक हॉकी खेल रहे हैं अटैकिंग हॉकी, जिसमें अगर देखिए 80-90 गोल हम लोगों ने किया है, 83 गोल है, बहुत बड़ा गोल है, तो मेरे ख्याल से वो लक्ष्य को करते हुए, लेकिन हमें अब ये चीज़ भी देखना है कि हमें ये जो छोटी छोटी गलतियाँ हैं उससे अभी मुखातिर होना. नहीं, मैंने आपको पहले बताया अनफोर्स एरर बेसिक उसमें गलती है कि टीम के अगर कम्बिनेशन हुई तो इतने गोल नहीं होते. और फिर वो जो टीम को हमने 8 गोल मारा, आज वो चैंपियन बनी है, तो कहीं ना कहीं हमें कमियां थी, वो जो कमियां थी वो अनफोर्स एरर की थी, उसी को ठीक करने. अभी हमारी 2 हफ्ते की छुट्टी है, लेकिन जो कमियाँ की वजह से हम सेमीफाइनल आ रहे हैं, मेरे ख्याल से उस पर हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे, वीडियो को एनालाइज करेंगे, और वो चीज़ों को सुधारने की बहुत जल्दी सुधारने की जरूरत है.